ये क्लिप एक बड़ी पॉडकास्ट का छोटा सा टुकड़ा है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये पॉडकास्ट हम सेम रीजन से करते हैं जिसके लिए हम टेक वीडियोस भी बनाते हैं ताकि हम आप लोगों की लाइफ इंप्रूव कर पाए ये थोड़े से डिफरेंट तरीके से अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजों के बारे में बात करके और हम भी अपनी थोड़ी पर्सनल साइड को और थोड़ी बिजनेस वाली साइड को आप लोगों से शेयर करके सारी चीजें बताने बिल्डिंग का सीन क्या है मैंने तेरे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसके अंदर तू लोगों के पीसीज बनाता है जाके मैं लोगों के पी तो एक्चुअली हुआ गया कि ना मैं सही बताता हूँ मैं ना बचपन में पैसे ऐसे थे नहीं मेरे पास मेरा बहुत मन था कि मैं अपना पी सी बिल्ड करूँगा गेम वेम खेलूँगा उस पर मजा ही आ जाएगा बट हाँ। uh, uh, फिर मेरे पास पैसे आए मैंने जब आई थिंक कॉलेज वाले में थोड़े बहुत पैसे आए थे मेरे पास हाँ। मैंने कमाए आए मैं थे हाँ। फिर uh, तब मैंने पी सी असम्बल करा कि भाई गेम खेलें करेंगे और उसके ऊपर मैंने एक भी गेम नहीं खेली एक आधे घंटे एक घंटे गेम खेली होगी मैंने और उस पर कोई गेम ही नहीं खेली उसमें यूट्यूब वीडियो बनाता था ऐसा टाइप तो वो पी बिल्डिंग का शौक तभी से था और अब तो बाल्टी में भी कर देते हैं और इस हर चीज़ में पी सी असम्बल करा हुआ है टेबल में करा हुआ है बाल्टी में करा हुआ है बाल्टी में हाँ बाल्टी में हमने पी सी असम्बल करा हुआ है बाल्टी में मतलब कैसे कर सकते हैं पी सी सब्बल एक प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर बाल गा गा हाँ प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर क्या बोलो मदरबोर्ड तो फिक्स करना होता है और थोड़ा उसका कूलिंग वूलिंग देखना होता है छेर हाँ भाई फ़ायदा है लोगों का पीसीस लेने का हमारे जैसे या नहीं जैसे मैंने तो ये ले रखा है मेरे को तो मैंने तो एक कंपनी से जाके लिया था मैंने बहुत दोस्त से पूछा भाई पी में कुछ मदद कर दो कह रहे भाई करेंगे करेंगे और किसी ने नहीं करी फिर मैंने जाए कंपनी से रैंडमली ले लिया यार मैं सही बताऊँ अब तो मेरे को मैकबुक बढ़िया लगती है हाँ। और ये जो लैपटॉप टॉप तो आ रहे हैं वो सही है, अपने सारे काम यू डोंट लाइक पीसीज कॉम्प्लिकेटेड पीसी मतलब मैं गेम खेलता नहीं तो मेरे को जरूरत पड़ती नहीं जो लोग गेम खेलते हैं उनको मज़ा आता है पी सी में गेम खेलते हैं या फिर कुछ प्रोडक्शन वाला काम कुछ नेक्स्ट लेवल अगर कर रहे हैं या फिर कुछ सर्टन यूज केसेस हैं जिसमें पी की रिक्वायरमेंट रहती है तो जैसे हम जैसे अभी हमने ना एक दस हज़ार की फोटो खींची थी हाँ। दस हज़ार कैसे खींच सकते हैं किसी फोन से नहीं एक फ़ोन में मैक्सिमम होते हैं पचास सौ मेगा पिक्सल कुछ होंगे ठीक है एंड किसी कैमरे में भी मैक्सिमम आई थिंक दो सौ मेगा पिक्सल से ऊपर कोई है ही नहीं तो फिजिकली पॉसिबल नहीं है ये एक डायरेक्ट आप एक फ़ोटो खींचो दस हज़ार मेगा पिक्सल की तो हमने क्या करा कि हमने हज़ारों फोटो खींची सौ 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 मेगा पिक्सल की सारी उनको साथ में जोड़ दिया तो वो दस हज़ार मेगा पिक्सल बन जाएगा हाँ दस हज़ार मेगा पिक्सल ही तो ऐसा था कि एक फ़ोटो मैंने जब से यहाँ की ले ली उसके बगल की एक फ़ोटो ले ली और ऐसे कर करके मैंने सारी फ़ोटो ली अलग अलग जिस साइड बाई साइड बाय साइड बाय साइड और सब कुछ जोड़ दिया आपस में अब ये सुनने में आसान लगता है बड़े ऐसी हज़ार फ़ोटो लेने में कभी सुबह आप स्टार्ट करो शाम हो जाती है फिर वेदर चेंज हो जाता है फिर कुछ हो जाता है फिर पोल्यूशन है तो दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं बहुत सारी चीज़ें तो उनको जोड़ना आपस में जोड़ के एक सिंगल फोटो बनाना काफ़ी मुश्किल है और उसके ना बहुत रिसोर्स चाहिए इतनी बड़ी बड़ी फोटोज़ को एक साथ रेंडर करनी है तो उसमें हमने कंप्यूटर कंप्यूटर यूज़ करा था तो उस वैसे टाइप के कामों में काम आता है कंप्यूटर पर भाई ये हाँ। आइडिया क्यों आया कि भाई दस हज़ार मेहपिक्सटल की फोटो ले लेते हैं ऐसी आइडिया ऐसे ही आते हैं लोगों को देखने में मज़ा है मेरे हमको करने में मज़ा आ रहा था कि यार दस हज़ार मेहपिक्सल की फ़ोटो लेंगे क्या होगा तो लेके देखते हैं फिर उसके लिए हमको दिल्ली में ले नहीं सकते पोल्यूशन इतना है हाँ क्योंकि दस हज़ार मे पिक्सल की फोटो तभी लेके फायदा है जब आप एक वाइड लैंडस्केप की फ़ोटो खींच रहे हो है ना क्योंकि जो रिलेटिवली सेम है हर जगह अगर वेदर सबसे राइट वाली फोटो में सेम हाँ। है तो इधर भी सेम होना चाहिए हाँ। और पोल्यूशन नहीं होना चाहिए और वेदर भी सेम होना चाहिए चीज़े। सारी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए कुछ हिल रहा है फ़ोटो में तब भी दिक्कत आएगी तो वो हमको एक चेरापुंजी में हमको एक सही वेदर एटमॉस्फेयर सारी चीज़ें मिली तो ये करने के लिए चेरापूंजी गए थे तभी तो मैं बता रहा हूँ टाइम हम जैसे काफी सारी वीडियोस हम बना लेते हैं तेजी से फिर हम ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने जाते हैं उधर उधर मजा आता है भाई दस हज़ार मेगा पिक्सल की फोटो लेने के लिए चेरापुंजी सेकंड मोस्ट रेनी क्या बोलते हैं जीके में मैं बताते हैं ना सेकेंड मोस्ट रेनफॉल जहाँ पे होता है बट वो हम जब गए थे तब वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी तब वो बारिश के क्योंकि वहाँ पे बारिश सबसे ज्यादा होती है इसलिए वहाँ पे एटमोसफेयर भी सबसे ज़्यादा साफ़ है

वहाँ पे देर इज इज रूट ब्रिज तो हम जिस टाइम गए थे वहाँ पे एक रूट ब्रिज है हाँ. तो पेड़ की रूट से वो पूरा ब्रिज बना हुआ है ऐसा टाइप और उसके नीचे ना एक वॉटर फ्लोर है ठीक है तो वहाँ पे और प्लस पूरा ऊपर ना एक उसको नीचे जाने के लिए देर इज अ लॉट ऑफ स्टेप्स मतलब काफी ज्यादा आधे घंटे की एक घंटे की ट्रैक करनी पड़ती है तब जाके वो नीचे जाता है हाँ. और ऊपर पूर पूरा ना ऐसा जो शेड है वो पूरा पेड़ों का है तो वहाँ पे हम मैं लेट करना आया था काफी ज्यादा मजा आया था it up.